सब एवरीबॉडी जय श्री कृष्ण जय माता जी के हम सब बधाई। होप के बता मजा मजा। सो आज का दिन है संडे और अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। तो आप लोग जान गए होंगे कि आज संडे है और मेरा ऐसा हाल देख के पता चल गया होगा कि आज कोई ट्रिप होने वाली है। तो जी हाँ, आज हम जाने वाले हैं बनभा हिल स्टेशन, जो कि यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर जितना होता है। और अपने पार्टनर आ गए अपने साथ हिरेन भाई, जो कि आज मुझसे पहले आए और मैं लेट आया हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सुनना पड़ा इन लोगों का। तो अभी सीन ये है कि हम दोनों जाएंगे, पहले इनको ट्राईपोड लेना है तो ट्राईपोड लेंगे, मुझे माउंट लेना है तो ये माउंट लेंगे, और फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से बनभा हिल स्टेशन की तरफ। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। हम लोग फटाफट चलते हैं। सो अनलकीली हम लोगों को हिरेन भाई का ट्राईपोड नहीं मिला, पर मुझे माउंट मिल गया एक जगह से। सो अभी हिरेन भाई मेरा ट्राईपोड यूज़ करेंगे, जो कि मेरे रिंग लाइट के साथ आया है, तो उसको मैंने वो दे दिया। और हम जा रहे हैं अभी बनभा हिल स्टेशन डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन पे। मैं आगे चला रहा हूँ, हिरेन भाई अभी मेरे पीछे चला रहे हैं। फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस है, देखते हैं आगे क्या है। और रास्ता भी एकदम अनजान है हम लोगों से। अभी कड़ौत गांव को क्रॉस किया है, जो कि समथिंग 20 किलोमीटर जितना आना है। तो कड़ौत गांव काफ़ी अच्छा था वहां पे, मतलब रोड भी कोई बुरी नहीं है, सब अच्छा है। और ये गधे और यहां पे एक गुल मोहर के पेड़ लगे हुए हैं। आप लोगों में ये लाल फूल वाले पेड़ को क्या कहा जाता है, सब कमेंट करके बता दीजिए। हम लोगों में गुजराती में इन लोगों को, इस पेड़ को गुल मोहर बोला जाता है, जो कि गर्मियों में उसके फूल आते हैं, बाकी ऐसे छांव वगैरह सब अच्छा रहता है। तो चलते हैं आगे। आगे अभी कोई रुकने का प्लान बनाया है, तो आगे चल के पानी वगैरह सब पीते हैं और देखते हैं कितना दूर है हमारा डेस्टिनेशन, सब तय करते हैं वहाँ पर जाके। अभी इधर पर मैप चेक किया गया तो हम लोग दिशाहीन हो गए, मतलब हम एक रास्ता छोड़ के काफ़ी आ गया है, समथिंग 6-7 किलोमीटर आगे आ गए हैं। तो अभी यहाँ से एक और रास्ता है, यहाँ से आगे जाके हम फिर क्रॉस कर देंगे, मतलब वहाँ से हम लोग दूसरा टर्न लेके चलेंगे। सो आप लोग कभी जाओ तो भाई गूगल मैप देखते रहना, ऐसा नहीं है कि एक बार रास्ता देख लिया तो बस सीधे चलते जाना है। हमसे गलती हुई, आप मत करना। तो चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फटाफट और चलते हैं, डेस्टिनेशन पहुंचने में अब थोड़ी सी देर होगी। अभी इधर पे ब्लैक लिया जा रहा है। अभी हम पहुंचे हैं मांडवी गांव में और समथिंग रास्ता भटक गए, इसीलिए 10-20 किलोमीटर हमको ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो अभी मांडवी गांव से टर्न लेके हम लोग जाएंगे बनभा हिल स्टेशन। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ी थकान भी होने लगी थी और गाड़ी का इंजन नया आया तो वो भी हीट हो चुका था। तो यहाँ पे पहले एनर्जी ड्रिंक पीते हैं और फिर आगे की तरफ चलेंगे। हिरेन भाई आपका एक्सपीरियंस बताइए। 10 किलोमीटर हम भटक गए वो बहुत खतरनाक, उसकी वजह रास्ता है। रास्ता उतना प्यारा और एकदम सीधा सीधा था, हमें टर्न लेने का मन ही नहीं किया, हम तो सीधे सीधे चले ही गए। फिर आगे जाके पता चला कि मांडवी ग्राम तो मैप में क्रॉस दिखा रहा था, तो हम मांडवी गाँव कैसे पहुँच गए। तो अब यहाँ पे ब्रेक लिया जाएगा और फिर आगे जाएगा। अभी तो बार बार चेकिंग चल रही है रोड की कि कौन से रास्ते पे हम जा रहे हैं। और ये रास्ता एकदम गांव वाला एरिया, देख सकते हो आप लोग, एकदम छोटे छोटे मकान है और समथिंग आई थिंक 15-20 कवर हो गए यहाँ पे, हो गया पूरा। भाई 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 हो गए। ये लोग हमें कब से देख रहे थे,
अगली बार मैं ये करके आऊंगा कि अपने बैग में थोड़ी बहुत चॉकलेट या फिर कुछ भी रख लूंगा जो कि इन बच्चों को दे सकूं। इतने प्यारे बच्चे थे, एकदम मासूम दिख रहे थे। सो अभी इस रोड पे हमें समथिंग 8-10 किलोमीटर जैसा जाना है और एकदम पतली रोड है और सुनसान रोड है। यहाँ पे ना कोई शॉप आती है और माइक किधर गया, यहाँ पे ना कोई शॉप आती है और ना ही कोई पेट्रोल पंप। तो कभी कभार आओ तो पेट्रोल थोड़ा एक्स्ट्रा ही डलवा के आना, पर मैं ही फिक्स पेट्रोल डलवा के आया हूँ तो आई थिंक मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो भगवान का शुक्रिया। और रोड थोड़ी सी ख़राब है, हल्की सी ख़राब है, पर ध्यान रख के चलाना पड़ेगा। और हम लोग काफ़ी लेट हो गए, अभी समथिंग 4:30 बजने को आए हैं और हमने पूरे 40 किलोमीटर कवर नहीं किया। वो उस डिस्टेंस की वजह से, हम लोग जो रोम साइड चले गए थे उसकी वजह से। तो अभी फटाफट आगे चलते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे जाके आप लोगों को पूरा व्यू दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए हैं बनवा स्टेशन। तो ये अपनी बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है, ये मेरी बाइक जो कि काफ़ी हिट हो चुकी है, ये हिरन बाइक की पैशन प्रो, और ये हिरन बाइक, उसके बाल काफ़ी उड़ रहे हैं और मेरे भी बाल तो एकदम बेड से गए ऐसा लग रहा है। तो अभी फटाफट ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा व्यू आता है और क्या है सब एक्सपीरियंस बताए कुछ। बहुत बढ़िया रहा। आप खड़े हो के बाइक क्यों चलाते हो? मज़ा आया, मज़ा आता है मुझे खड़े रह के बाइक चलाने में। मैं आगे ध्यान देने से ज़्यादा आप पे ध्यान देता हूँ कि आप खड़े हो के इतने अच्छे लगते हो, बस आपने देखने का ही मन करता है खड़े रह के बाइक चलाने का एक्सपीरियंस। ऐसा 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 लगता है कि जैसे क्या है, एक पहाड़ बाइक पे चल के सीरियसली बहुत मज़ा आता है आपको देखने में। तो ये काफ़ी अच्छी बाइक चलाते हैं, मैं बस ये जब खड़े होकर राइड करते हैं तो मुझे बस इनको देखने का ही मन करता है कि बस इसको देखते रहूँ और एंजॉय करते रहूँ। फिर ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऑफ रोडिंग वाला रास्ता हो उसमें भी खड़े हो, ऐसे सिंगल पट्टी रोड है, मतलब जैसे अपने को एकदम सीधा जाना है तो भी खड़े होकर चला जाए, इतना शौक चढ़ गया बोलो इनको, पता नहीं क्या ही मज़ा आता है बस मुझे देखने का मजा आता है क्योंकि ये ऐसा लगता है जैसे व्हाइट पहाड़ काली बाइक पे चढ़ के आ रहा हो फटाफट फटाफट काफी मजा आया, एक्सीलेंट। और ये वाला रास्ता कवर करने में हम लोगों को 2 घंटे लग गए बोलो पूरा, मतलब 2:30 बजे से हम लोग निकले और अभी यहाँ पे पहुँचते पहुँचते कितने बजे, समथिंग 4:30-5:00 बज गए, 5:00 या 3 घंटे हो गए भाई बताओ कैसे हम लोग किया होगा, कितना मतलब कितनी स्पीड से चले होंगे। और एक दो बार तो ऐसे वो रास्ता भटक गए मांडवी गांव में, भाई साहब वो रास्ता क्या ही ख़राब था, मतलब वो 5 किलोमीटर काटने में ऐसा लग गया पूरी राइडिंग का मतलब पूरा एक्सपीरियंस चला गया। चलो अभी फटाफट ऊपर उधर पहुंच जाते हैं, उतनी देर में इधर से वापस चले जाते ऐसा बोलो, वापस नहीं मांगी तुंगी चले जाते इतनी देर में तो वहाँ पे भी मांगी तुंगी एक जगह का नाम है और वहाँ पे भी रिसेंटली थोड़ी दिनों बाद जब बारिश होगी तब राइड करेंगे तो चलो फटाफट अभी ऊपर चलते हैं वरना ये बातें तो यहीं पे ही होती रहेगी और पूरा व्यू अपना चला जाएगा क्योंकि शाम ढलने को है। तो फटाफट ऊपर। सो अभी ऊपर चढ़ने का शुरू कर दिया है और हिल बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है और ये है अपना लेंस जिसका नाम माकड़ो रखा गया है, ये माकड़ो लेंस है क्योंकि इसमें मार्को की जगह माकड़ो लिखा है, माकड़ो, तो इसका माकड़ो नाम पड़ा गया है। और ये लगा के व्लॉग बनाने का, हाँ अब व्यू अच्छा आएगा। ओ हिरन भाई थोपो नहीं, ट्रैक ट्रैक क्या करे, हिरन भाई बोल रहे ट्रैक करो, अगर गिर गया ना तो गया सब मेरा सत्यानाश। यानी ग्रिप जाती रैली है तो अभी ट्रेकिंग करके ऊपर चढ़ा जा रहा है। ये क्या क्यों बैठ गया भैया जी? थक गया। क्या बोला? थक गया बहुत। क्या? अरे थकी जो। ओ आपको थकान भी लगती है? अरे हम लेट मत जाइयो,
फिर जाने का ही विचार है तो मेरा। यहाँ अभी पूरा पहाड़ नहीं चढ़े। अरे इधर से वाइब तो ये कोई पहाड़ नहीं है, ये छोटा सा टेकरा है। गुजराती में टेकरो तो इसमें हंसने वाली क्या बात है इतनी। भाई साहब नज़ारे की क्या बात करूँ। रुको आप मेरे आपको एक मिनट दिखा था वो। सो कुछ ऐसा व्यू है अपना यहाँ का। और ये सीढ़ियां भी काफी सुंदर लग रही है। अति सुंदर यहाँ हम जो तो कर कितना मस्त व्यू आज है। और आप एक बार यहाँ का नज़ारा देखिए, ये नज़ारा कैसा है। और एकदम ताज़ी हवा आ रही है। साला आईफोन गया ना तो रील बनाने के चक्कर में आईफोन की बड़ी चल गई है। तो कोई नहीं, अभी हिरण भाई के मोबाइल से व्लॉग शूट किया जाएगा और फिर हम दोनों आपस में शेयर कर लेंगे और आगे की जर्नी तय करेंगे। तो मैं आपको यहाँ का इतिहास बता दूँ कि यहाँ पे बणपा दादा का मंदिर है, जो होती है वो फसल जो सबसे पहले काटी जाती है तब यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ के प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। सब कुछ यहाँ का इतिहास तो यह है, यहाँ की हिस्ट्री है। वरना सब लोग यहाँ पे मानसून में घूमने वगैरह आते हैं, दूसरा कुछ नहीं। और जगह एकदम अच्छी है, शांति है, कोई शोर शराबा नहीं और एकदम नेचर के पास खुली ताज़ी हवा है। सो ऐसा कुछ इतिहास। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, काफ़ी मस्ती की, काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स भी खींचे, रील्स भी बनाई, वो सब आएगा इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और काफ़ी अच्छी जगह है, इतना हवा ऊपर आ रहा था कि मान लो ऐसे जैसे उड़ जा रहे थे। कोई हल्के वजन वाला होगा तो वो तो उड़ ही जाएगा। मैं भी ज़्यादा हैवी नहीं हूँ, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। मेरे लिए ये बात से मैं एकदम हैवी वेट हूँ, उधर के उधर ही खड़ा रहता हूँ मैं तो। कोई नहीं, जस्ट जोक की बात है। सो अभी नीचे जाया जा रहा है, फिर नीचे जाके पहले मोबाइल रिपेयरिंग किया जाएगा। हाँ। फिर दूसरी बात होगी, क्योंकि आपको आम बधाई क्यों, घर पे डांट पड़ेगी आई थिंक, पड़ेगी तो पड़ेगी, नहीं भी पड़ेगी बोल नहीं सकते कुछ। तो अभी घर पे जाते हैं और फिर देखते हैं। और अभी यहाँ से हमें घर पे पहुँचने में कम से कम एक घंटा जैसा समय तो लगेगा ही, एक डेढ़ घंटा समथिंग, क्योंकि इस बार तो हमने रास्ता भी देखा है, सब देखा है। पर क्या है कि शाम ढलने को है तो विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी, तो एकदम स्लो आराम से चलाएंगे और कर जाएंगे। तो बस अभी मिलते हैं डायरेक्ट बाइक पे और वीडियो ये वाली क्लोज करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए, हम नीचे चलते हैं। सो अभी हम बाइक पे आ गए, नीचे उतरने में कम से कम 30-45 मिनट जैसा समय गया। सो अभी डायरेक्ट घर पे जाया जाएगा और काफ़ी लेट हो गए हम लोग, ऐसा हमें लगता है। पर वैसे भी गर्मियों के दिन काफ़ी लंबे होते हैं तो इसलिए धूप इतनी डाउन नहीं हुई है। धीरे धीरे भाई धीरे। सो अभी घर पे जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे आके, एक अनोखा एक्सपीरियंस। सूरत में आके पहली बार पहाड़ों में गए हम लोग, मतलब पहाड़ तो नहीं है उतना बड़ा पर बोल सकते हैं पहाड़ों में गए। सो अभी डायरेक्ट घर पे जाया जाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर से।
ये हिरेन भाई की चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उनको भी सपोर्ट कीजिए और अपने चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं हम इसी तरह के किसी अगली वीडियो में, करते हैं वाली वीडियो यहीं पे क्लोज। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय हिंद।